हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन। आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा मैंने वादा किया था कि नया ब्लॉग जो आएगा वो सीएफएम रूरल पोस्टिंग से रिलेटेड होगा। सो दिस ब्लॉग इज रिलेटेड टू द सीएफएम रूरल पोस्टिंग। और जो पोस्टिंग हमें जानी है वो 10 से 1 है। तो अभी हमारी 2 क्लासेज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेस, उसके बाद क्लास, फिर क्लास के बाद हम लोग को जाना पड़ेगा पोस्टिंग। सो लेट्स गो फॉर मेस, क्योंकि खाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को 3 घंटे जाना पड़ेगा विलेज में। एटलीस्ट अच्छे से खा लें जिससे कि भूख ना लगे 1 बजे तक। सो लेट्स गो फॉर मेस, उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी चलते हैं मेस ब्रेकफास्ट करने। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आज का, पोहा है, ब्रेड है, दूध है, और ये अमरूद है जो कि दांत से नहीं टूटता। ये क्या है? ये चटनी है, चटनी टमाटर की। सो ये है हमारे फ्रेंड्स और ये है कार्तिकेय। नाउ द फर्स्ट क्लास इज ओवर, 8 से 9, और 9 से 10 जो क्लास थी वो नहीं हुई आज। तो हमें पोस्टिंग 10 बजे से जाना है, तो हमारे पास अभी 1 घंटे हैं। तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, तो अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। इसका नाम दीवाना है, अब पता नहीं किसका दीवाना है ये। तो अभी हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 4 पे, और गेट नंबर 4 के सामने एक चाय की दुकान है, और एक गेट नंबर 4 के बगल में एक रास्ता है, अंदर जाके एक दुकान है। तो आपको अंदर वाले रास्ते पे चल के चाय की दुकान दिखाते हैं हम लोग आज। ये है अंदर चाय की दुकान। भैया 3 चाय दे दो यार, कुल्हड़ में देना। तो अभी हम लोग चाय पी के आ गए, और अभी बस निकलने में अप्रॉक्स 1 घंटे है, तो चलते हैं डिपार्टमेंट में। तो ये है हमारी बस जिससे हम लोग जाएंगे। यस मैम। तो दिस इज आवर बस, और हम लोग इसी बस से जाना है। यार जगह छोड़ा है, मुझे बैठना है, खिड़की वाली सीट चाहिए मुझे। तो बस हैज स्टार्टेड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर पोस्टिंग। हमारे बस में एक स्पेशल सीट है जिसका अलग एक पर्पस है। तो इसका क्या पर्पस है? ये जो सिंगल सीट है, मल्टीपर्पस सीट है, इसके 3 पर्पस है। पहला पर्पस, इस पे आप लैपटॉप आईपैड रख के काम कर सकते हैं, बाकी किसी सीट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा पर्पस है कि लंबे लोग आराम से अपना पैर रख सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है कि जैसे कि आप सब देख सकते हैं आगे कैमरा चीज, ये घुमाने वालों वाला इंट्रोवर्ट इंसान, ऐसे इंसानों के अक्सर दोस्त नहीं होते हैं, तो इन लोगों को अकेला ना फील हो इसलिए हम इनके बगल की सीट ही ऐसी कर देते कि वहाँ आके कोई बैठे ना, तो इन्हें मन में एक सहानुभूति मिलेगी कि हम अकेले इसलिए नहीं बैठे क्योंकि हमारे दोस्त नहीं है, हम अकेले इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी सीट खराब है। यह हमारा नौबतपुर टाउन, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं। आज हमारा 3rd पोस्टिंग है, इससे पहले हम लोग 2 दिन और जा चुके हैं। फर्स्ट डे हम लोग को फैमिली अलॉट हुई थी, और सेकेंड डे हम लोग को जाके वहाँ पे हाउसिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछने थे, और आज 3rd डे है। आज हमें प्रिवेंटिव चेकअप करना है, इसमें कि नॉर्मल जो वाइटल साइंस होते हैं वो हमें देखने होंगे, बीपी हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सब चीज़ें। टोटल हम लोग का 25 लोगों का ग्रुप है, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं और शायद पहुंच भी गए। हाँ पहुंच गए हम लोग। सो अभी हम सब आ गए। तो हियर वी आर।
आप देख सकते हो गलियां हैं। अरे मुझे नहीं पता भाई, मैं दूसरे रास्ते से गया था लास्ट डे। मैम हमें किधर से जाना है? मैं खुद भूल गया रास्ता, मुझे किधर से जाना है। ही इज द लीडर, ये बताएगा मुझे किधर से जाना है। आशुतोष एंड मैम इज ऑल्सो हियर। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा मैं किधर से आया था लास्ट टाइम। एंड लास्ट हम दो लोग बचे हैं आई थिंक। आशुतोष दिस इज योर, ओके सो मेरा उस साइड है मैम, इसके आगे। यस मैम आई नो। बाय आशुतोष। सो मैं भी अपने फैमिली के आसपास पहुंच गया हूँ। हाय सर। नाउ आई हैव डन विद द फैमिली पोस्टिंग और अभी मैंने सारा एग्जामिनेशन किया। एक्चुअली घर में चार मेंबर थे, सबका एग्जामिनेशन किया। एक बच्चा था छोटा सा, उसका भी मैंने सारा जो बेसिक एग्जामिनेशन था मैंने वो किया और कर लिया। अभी 12:30 बज चुके हैं, तो एक्चुअली सब पहुंच चुके हैं, तो मैं भी थोड़ा लेट हूँ, तो चलता हूँ फटाफट। रूरल इंडिया, ये है उपले, इसको बोलते हैं उपले बोलते हैं हमारे इधर तो, और छोटी छोटी गलियाँ हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे है कि भटक जाते हैं लोग, तो मुझे एक रास्ता याद है, मैं उसी रास्ते से जाने की कोशिश करूँगा। किधर से था? ओके अच्छा हाँ, इस साइड से था। एक्चुअली आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग है, तो इसकी वजह से हो सकता है मैं थोड़ा सा भटक सकता हूँ। बट आज तीसरा दिन है तो ऑलमोस्ट रास्ता याद ही हो गया है। सो ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ रोड पे। मैं काफ़ी लेट हो गया मेरे को एग्जामिनेशन करने में, क्योंकि मेरे पास जो केस था वो पीडियाट्रिक का था, मतलब चाइल्ड एज अंडर 5, तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और सब लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे। तो यार अभी कॉल आया था, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, बोले बस निकलने वाली, तो फटाफट चलता हूँ मैं। ऑलमोस्ट आ गया हूँ रोड पे और बस जो खड़ी है, आप बस देखते हैं, वहाँ बस खड़ी है। और भरत, यस ब्रदर, कैसा हुआ तुम्हारा फैमिली का? वेल इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, आई रियली एंजॉयड द विजिट एंड काफी मजा आया, वो बहुत अच्छे लोग थे। ये था रूरल पोस्टिंग का वीडियो। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और काफी मजा आया और काफी एंजॉय किया हम लोगों ने। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाले वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।